प्लैटिना ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया कलर इसी प्लैटिना 110 कम्फर्टेक में, जो कि आपके NS125 के सफ़ायर ब्लू कलर जैसा ही है। हालांकि ऑफिशियल इसका नाम जो है देखिए क्या रखते हैं कंपनी, लेकिन ये आपका लगभग सेम सा ही है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं NS में। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसी नए कलर के बारे में हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा फीचर प्रोवाइड करती है कम्फर्टेक 110 इसी प्लैटिना का। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मतलब आप देख रहे हैं डिजाइनमेंट ऑटो यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों ये है एक नया कलर सैटिन बीच ब्लू जिसको कहते हैं। ऑफिशियली इसका नाम जो है वो अनवील नहीं किया हुआ है, लेकिन ये NS200 पे बेस्ड कलर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा NS200 में तो उसी टाइप का कलर मैट में आपको मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं यह सैटिन बीच ब्लू कलर है। तो एक NS125 में भी यही एडिशन निकला हुआ है जो कि सफ़ायर ब्लू के नाम से जाना जाता है, ग्लॉसी फिनिश में है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके लुक की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कलर है ये काफ़ी शानदार लगता है और एक नया कलर इसमें ऐड किया गया है। पूरा आगे से लेके टेल तक ये कलर आपको दिख जाएगा। पीछे की तरफ 110 कम्फर्टेक की ब्रांडिंग मिल जाती है और वाइट स्टिकर्स के साथ ये मिलता है। साथ ही यहाँ पे नेवी ब्लू स्टिकर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए फ्रंट से लुक की बात करूँ तो फ्रंट में जैसा कि आप देख सकते हैं वही आपका सेम जैसा कि प्लैटिना आपकी आती है वैसे ही मिलता है और वाइट कलर के स्ट्राइप्स इसको जो है काफ़ी एजी स्टाइलिश लुक देते हैं। एक DRL आपको ऊपर मिल जाती है, उसके नीचे हेलोजन हेडलैम्प मिलता है। आपका जो मड गार्ड का कलर है वो भी आपका मैट कलर में ही दिया हुआ है जो कि सैटिन बीच ब्लू है और वहाँ पर भी आपको स्ट्राइप मिल जाती है वाइट कलर की। यहाँ सबसे अच्छी जो गौर करने वाली बात है वो है इसका एंटी स्किड ब्रेकिंग और इसका शानदार वाइट कलर का अलॉय व्हील। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था पहले कुछ बाइक में आपकी पल्सर हो गई और NS सीरीज़ की हो गई, तो उसी हिसाब का आपको उसी कलर का वाइट कलर का एक अलॉय व्हील दिया हुआ है जो कि इसकी लुक को इन्हांस करता है। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे फ्रंट जो टायर साइज़ मिलता है वो 80x100 का 17 इंच का टायर मिल जाएगा। ये आपकी डिस्क वेरिएंट है, यानी यहाँ पे आपको डिस्क मिलता है। तो डिस्क क्या है कि यहाँ जो साइज़ मिलती है वो 240 mm की मिलती है और रेयर में आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। सस्पेंशन यहाँ पर आपको लाजवाब मिलता है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रॉक्स का कैनेस्टर इसमें इस्तेमाल किया गया है, SOS विथ नाइट्रॉक्स कैनेस्टर सस्पेंशन। तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है, तो यहाँ पे आपको जो कंफर्ट मिलने वाला है, कंफर्ट एक इसका नाम ही है, इसी लिहाज से इसमें कंफर्ट आपको काफ़ी मिलेगा। रेयर टायर यहाँ पे 80x100 का 17 इंच सेम दिया हुआ है। ब्लैक कलर का आपका एग्जॉस्ट है जिसके ऊपर क्रोम की जो कवर है वो लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेयर में जो ग्रैब रेल है वो आपकी ब्लैक कलर की है और इसकी जो लाइट्स हैं अगर आप रेयर से देखेंगे तो आपको बल्ब ही मिलती है, रेड कलर में आपको दी हुई है इसकी टेल लाइट। और इसके जो बल्ब इंडिकेटर्स हैं वो आपको थोड़ा स्टाइलिश और एजी देखने को लगते हैं, यानी स्पोर्टी, इसमें आपको स्पोर्टीनेस दिखेगी। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे CT100 से तो वहाँ पे आपको थोड़ा राउंडेड देखने को मिलते हैं, तो उसमें और इसमें थोड़ा ये डिफरेंशिएट कर देता है, ये मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगता है। और ये जो नया कलर लॉन्च हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे इसके फ्रंट अलॉय और रेयर अलॉय दोनों में वाइट कलर का इस्तेमाल किया गया है और प्लैटिना लिखा हुआ है यहाँ पे गोल्डन कलर में। और इसकी जो स्ट्राइप्स हैं ये मैच करती हैं इसके अलॉयस से, जिसमें ये जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके दोस्तों मैक्स पावर की तो 8.6 PS की मैक्स पावर मिलती है एट 7000 RPM और मैक्स टॉर्क दिया हुआ है 9.81 Nm का एट 5000 RPM। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पर 11 लीटर्स की। 5-speed ट्रांसमिशन के साथ आपकी ये बाइक आती है और माइलेज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 80 तक का माइलेज आराम से मिल जाएगा, 70 to 80। अभी आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी राइड करते हैं। अगर आप ज़्यादा इसको भगाते हैं या रफ राइड करते हैं, ज़्यादा ट्रैफिक में राइड करते हैं तो माइलेज ऑब्वियसली आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। स्विच क्वालिटी आपको वैसे ही मिलती है जैसे कि आपको मिलता है, तो यहाँ पे पास स्विच हो गई, अपर डिपर स्विच, उसके नीचे टर्न सिग्नल इंडिकेटर रिले स्विच और हॉर्न स्विच। तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कंसोल में आपको यही मिलता है। यहाँ पे अगर राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक मिल जाती है आपके DRL और हेडलैम्प को कंट्रोल करने के लिए स्विच और उसके नीचे आपका स्टार्ट स्विच जो कि है सेल्फ स्टार्ट स्विच।
और यहाँ पे आपको जो स्पीडोमीटर मिलता है दोस्तों वो आपको एनालॉग देखने को मिल रहा है, उसी के साथ जो फ्यूल इंडिकेटर है वो भी एनालॉग मिलता है। दोस्तों अगर मैं इस बाइक की प्राइस की बात करूँ तो तकरीबन एक्सोरूम प्राइस ये 66,000 के आसपास आएगी। अगर आप प्रतापगढ़ के हैं, एग्जैक्ट एक्सोरूम प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करें और गांधी ऑटो सेल्स प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने में ये बाइक पड़ेगी, क्या इसका डाउन पेमेंट है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों कैसी है ये बाइक, तो देखिए 110 सीसी सेगमेंट में अभी सबसे ज़्यादा जो बेस्ट सेल हो रही है बजाज में वो आपकी प्लेटिना ही है, जो कि काफ़ी अच्छे माइलेज के साथ आती है, अच्छे फीचर्स के साथ आती है और कलर्स भी यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया और नए नए कलर्स देखने को मिलते हैं, तो काफी एक वेल रिच पैकेज। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।